Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. खबरदार खबरदार अगर हमको महंगाई कहे तो तुझे पागल महंगाई कहाँ कह रहे हैं, तुझे तो हम दान कह रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा है। हाय नहीं हूँ, इधर देख, सोनू निगम बैठे हैं, अनु मलिक जी बैठे हुए हैं, सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर देख के कुछ शेर सुना दीजिए अनु मलिक जी। शेर हुस्न में बोला जाता है, हुस्न पे। तुम लोग महिलाओं महिला बनने के 500 साल पीछे हो तुम लोग। सोनी टीवी वाला सब में मान बैठा हुआ है। अरे सोनी टीवी वाला सब यहाँ है तो आज सोनी चैनल पे क्या आ रहा है? क्राइम हो रहा होगा क्योंकि सीआईडी वाला तो सब इधर ही बैठा है ना। एसीपी प्रद्युमन जी नमस्ते, जरा हमारे घर पे आइए ना, हमारा किचन में आइएगा, डब्बा में जंग लग गया है, खोल दीजिए ऐसा ऐसा करके, खोल आ जाइए। ए लीजिए, क्राइम पेट्रोल का अनूप सोनी भी यहीं बैठा है। वैसे सच पूछे तो अनूप सोनी जी, आपका वजह से हमारा शादी नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके अलावा जितना भी लड़का हम देखते हैं, देख के लगता है कि कोई भरोसा नहीं, शक होने लगता है कि क्राइम इसी ने किया होगा। मैं अनूप जी से तेरी बात करती हूँ। अनूप जी अच्छे घर की लड़की है, ये बहुत घर की लड़की क्या पूरा घर ही है। अनूप जी वो अनु मलिक जी का गाना है ना, कोई उसको पिलाने वाली हो तो यही है वो पिलाने वाली। गाने में था कोई गोरी हो या काली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, न मोटी पतली का बात ही नहीं हुआ, तो ये फिक्स कर दो, चाय पिलाएगी आपको। देखिए अनूप सोनी जी मान जाइएगा, देखिए मैं तुलसी तेरे आंगन की बनने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तू ये ना बोल मैं तुलसी तेरे आंगन की, तू बोल मैं बरगद तेरे खेत का। वैसे ये देखिए यहाँ पर इंडियन आइडल का जजेस आए हुए हैं, तो आपको शायद पता नहीं है, ये भौजी है ना, बहुत अच्छा गाती हैं। हमको जो शांतिवन आइडल में, अभी आप जब से इंडियन आइडल का जज है, हम शांतिवन आइडल में मास्टर है। एक मिनट, अरे मैं थोड़ा सा लेट क्यों गई बोर्ड सेट करने में, आप तो मतलब ये शांतिवन आइडल मैं हूँ, बस चुप रहो तुम। ये जूड़े पे क्या लिखा आपने टूलेट? जी ये एक्चुअली जुओं के लिए थी, अभी फिलहाल ही मेरा सर खाली हुआ है, सो नोबडी इज ईटिंग माय हेड, सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस बोर्ड। हेलो अनु जी, हेलो सोनू जी, हाउ आर यू ऑल? गुड गुड जी। माय सेल्फ टीचर विद्यापति, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, मैं अपनी आवाज छोड़ के हर किसी की आवाज में गा लेती हूँ। जी तो मैं ऑडिशन देना चाहूंगी, आपका गाना अगर बपिता गाएं तो कैसे गाएंगे? आप गा के बताएं। मैं बिल्कुल बिल्कुल गा के बताऊंगा। गले से गाएंगे। जीना का है चार दिन उड़ी बाबा, बहुत चला दिए। जीना का है चार दिन उड़ी बाबा, इतना कुछ किया भी नहीं जिंदगी में, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। हमको लगा शांति में आइडल हम आए तो ये निकल लिया, हम तो तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जिंदगी तबाह हो गया कपूर शर्मा। वो तो उसका हुआ ना जिसके साथ आपकी शादी हुई। नहीं उसके साथ तो बन जाता हमारा जिंदगी। अच्छा ये भैंसी आइन हमारे बीच में सो जाती है, हमारे घर में है एक एचके है। क्या हॉल किचन है? भी नहीं है, बेडरूम है ही नहीं। बेडरूम है ही नहीं तो हॉल हो गया ये, तो किचन कौन है?
कोई बीच में चल रहा है। बुरा हाल हो गया, पूरा ही हाल हो गया। हाल बुरा है हमारा, खुल गया पूरा मामला। अभी क्या होता है आपको हम टेक्निकल समझा देते हैं। हाँ समझाइए। इधर संतोष के भाई सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में ये सो जाती है। हमारा फैमिली नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। रेडियो पे गाना आता है सोनू जी का, जब बजता है ना कि सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा, हमारे दिल में रोमांस उठ जाता है, उठ जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते। ओ बीच में भैंसियाइन होती है। अरे रे रे। आपको यकीन नहीं है, हम बताते हैं सोनू जी, जब आपका गाना बजता है, देखिए ये शो के शुरू में ही रख दिया था। ऐसा बेड पे हम सोते हैं। इतनी अच्छी चादर है तुम्हारे पास? हमारी नहीं है, तुम्हारे घर की है। तो सोनू जी इधर आइए एक मिनट। सोनू जी मान लीजिए आप संतोष के भैया हैं, आप इधर सोए हैं, आइए इधर आइए, इधर लेट जाइए, रात का टाइम है, मैं बता रही हूँ, लेट जाइए सोनू जी, हम अब समझा नहीं पाएंगे अनु जी को, वरना तो तकिया इधर है, ठीक है, आप ऐसे लेटे हैं आराम से। इस ये भी नौबत आ गई है। आप ऐसे आराम से लेटे हैं, नाइट का टाइम है, ऐसा लेट गया। ए भैंसिया इधर अपनी जगह पे। तो हम तो बीच में सोते हैं, इसमें क्या करके आ जाती है बीच। अबे हमारा सोने का वक्त हुआ है। शांति बना, आइडल लगा गाना जरा। अभी हम सो रहा है, रात का 11:30 बज गया। कपिल शर्मा सो खत्म, खाना खाया सो गया। सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये हाई क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, क्या ये मेरा पहला प्यार है सजना, चलने लगा आसमां ये हाई पिघलने लगा, मैं ठहरी रही। अरे क्या हुआ? तो सुबह हो गया है। ए भौजी उठ जाइए, सुबह हो गया है। सुबह हो गया? हाँ हो गया, सुबह हो गया। तो उठ बाथरूम में। अरे तो खाई मार रही है, जिंदगी खराब कर दिया। हमने क्या किया है? हमारा जिंदगी खराब कर दिया। उठ जाइए, तुम लोग ने मेरा गाना खराब कर दिया। मेरा घर नहीं है, तुमने मेरा गाना खराब कर दिया। मैं छोटा सा करके उठ जाइए, क्या जरूरत थी? सब हाथ उठा के चला जाता है। अब वक्त है म्यूजिक इंडस्ट्री से दो धुरंधरों को यहां मंच पे बुलाने का, जिन्होंने मराठी सिनेमा से शुरुआत की और आज बॉलीवुड में बेहतरीन संगीत देकर धूम मचा रहे हैं। बड़ी कमाल की जोड़ी है, प्लीज वेलकम मिस्टर अजय एंड अतुल। अजय बाजी, अतुल बाजी, आपका हमारे शो में फिर से एक बार स्वागत है। थैंक्स अ लॉट सर। एक बात पूछनी थी, ऑडियंस के दिमाग में आपका हमेशा नाम साथ में लिया जाता है, अजय अतुल।
तो ये कैसे डिसाइड किया था कि पहले किसका नाम आएगा बाद में? पहले मतलब एज एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तोते ने पर्ची निकाली थी? नहीं, दरअसल बात ये हुई थी, हम दोनों में मैं बड़ा हूँ. अच्छा. 2 साल. ओके. तो नेचुरली ऐसा हो सकता था कि वो घर वाले भी हमें बचपन से अतुल अजय करके बुलाते हैं. अच्छा. लेकिन हम लोगों ने सोचा था अजय अतुल राइमिंग बहुत अच्छा लगता है. Sounds nice. वो साउंड बहुत अच्छा करता है. अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर की निशानी यही है कि हर चीज में देखते हैं कि अच्छा हो, पूरा मीटर में आ रहा है तो वेरी गुड, वेरी नाइस. आई एम इंप्रेस्ड. आपने इतने लोगों के लिए म्यूजिक किया है जी, तो अब पहली बार आपने लोगों के लिए म्यूजिक किया है. लोगों के लिए. तो ये म्यूजिक बनाते वक्त आपने क्या ध्यान में रखा था? क्योंकि फिल्म में तो आपको सिचुएशन दी जाती है कि आप सलमान खान के लिए गाना बना रहे हैं और ये सिचुएशनल सॉन्ग है, ये रोमांटिक है, ये लोगों ये क्या होता है. हमें सोनी के सारे हेड्स मिलने को आए जी, आशीष था, तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी. ब्रीफिंग थी, वो सारा ब्रीफिंग बताया. लेकिन जो लिखा हुआ जो टैग थे, वो टैग में लिखा हुआ था कि हमें फेमिनाइन चाहिए. अच्छा. एक दूसरा चाहिए इपिक. Okay. तीसरा चाहिए हैप्पी. Okay. चौथा चाहिए इंडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड पांचवा चाहिए ग्रैंजरस जी. और ये सब चाहिए हमको 5 सेकंड में. 5 सेकंड में. 5 सेकंड क्योंकि वो ज्यादा बजेगा. हाँ, right. और ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड. सो मेलोडी ऐसी हो जो छोटी सी हो, सुने हुए सबने सबको पसंद आनी चाहिए. हाँ, पहली बार सुने तो सबको पसंद आए. वो सारा बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था. वो चैलेंज था एक्चुअली. हाँ. लेकिन उसके पीछे भी वो जो चीज थी कि ये जो 5 सेकंडर है, 15 सेकंडर है, वो आप आने वाले कम से कम 5 साल तो सुनेंगे. बिल्कुल. तो वो बिल्कुल बहुत ही कैची होना चाहिए, वो बहुत ही मेलेडिक होना चाहिए. तो वो बड़ा चैलेंजिंग था. बहुत ही कमाल का म्यूजिक बनाया सर आपने. बहुत बहुत मुबारक. अजय अतुल के जितने भी कंपोज किए हुए गाने हैं, बहुत ही बेहतरीन गाने इन्होंने कंपोज किए हैं. लेकिन आज मेरा मन है एक बड़ा सदाबहार गाना इनका, क्योंकि सोनू पाजी यहाँ पे मौजूद है, तो वो सुने बिना तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते महफिल को. सर अभी मुझ में कहीं आज सोनू पाजी हैं, सबको पता है मेरा फेवरेट गाना है. ओहो, सोनू पाजी का एक बड़ा ही मेजर ऑपरेशन हुआ एक्चुअली पैर का, और उसके बावजूद ही हमसे इतना प्यार करते हैं, स्पेशली आए. थैंक यू पाजी, लव यू. जितने लोग समझदार लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि ये लोग म्यूजिक में कितने घुसे हुए हैं. दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं, पर अजय जी जो हैं ये बहुत ही बढ़िया गाते हैं. और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि इन्होंने गाना कंपोज किया है तो ये गाना मैं स्टार्ट नहीं करूँ, ये स्टार्ट करें, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ. और आपको ये जान के खुशी होगी हमारे पास एक और माइक है, ये लीजिए. आपको एक जान के खुशी होगी हमारे पास एक और है. वी हैव 3 mics, लॉट ऑफ बजट. अभी मुझ में कई थोड़ी बाकी जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूं मैं तो अभी. कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहा था मेरा, अब छाया पेड़ के मिल गए.
से फुसलाने से दिल खिल गई कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है ये मैं एक्चुअली बस ये करता रहता हूँ कि सोनू पाजी की आवाज में इतनी मेलेडी है ये कोई भी गाना पकड़ लेना पाजी इस हर गाने में मेलेडी डाल सकते हैं तो मैं ऐसे एक बार कर रहा था मुझे पता नहीं था सोनू पाजी भी सामने थे तो मेरी चोरी पकड़ी गई बट पाजी ये बात में कोई दो राय नहीं है ये किसी भी गाने को किसी भी मूड में गा सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया पाजी इतने खूबसूरत गाने के लिए हेलो You have a tight grip. nice to meet you. I am Dr. Mishur Gulati. Dr. Mishur Gulati. Doctor Saab. Hello. Hi. Are you all right? I'm just saying hello to these guys. Oh. Hello, I am Dr. Saluke. I am Dr. Mishur Gulati, KTGH. I am Dr. Saluke, FBBGH. KTGH कौन सी डिग्री है KTGH नहीं पता तुमको यार 18 सालों से बोलते आ रहे हैं कुछ तो गड़बड़ा कुछ तो गड़बड़ा इसका भी मतलब तुमको बताओ हेलो हेलो गुलाटी सालुखे गुलाटी सालुखे गुलाटी सालुखे डॉक्टर गुलाटी डॉक्टर सालुखे और ले दे के कुछ मुका लो यार क्यों इतना बहस रही हो मिल रहे हैं तुमको कोई तकलीफ है मिलो 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 डॉक्टर सालुंगे डॉक्टर गुलाटी डॉक्टर सालुंगे हाय हाय भला मोरी रामा भला तारी रामा 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 हाय हाय हेलो हेलो फोन आ रहा है स्टेथोस्कोप नहीं आ रहा ये बज रहा है हेलो मम्मा 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 भैया मिल गए मम्मा मम्मा 18 सालों से सीआईडी में काम कर रहे हैं खुद ही सीआईडी में ना तो हमको इसलिए मिल नहीं रहे थे इसलिए हमको ढूंढ लिया बहुत पैसे कमा रहे हैं मम्मा बहुत पैसे बना रहे हैं अच्छा एक बात बताओ मेरे से 10 साल बड़े हैं तो उनके बाल काले मुझे काले मेरे सब कुछ सफेद को मुझे बादाम क्यों नहीं खिलाया आपने हाँ जी भैया मैं आया मैं मम्मी बुला रहे हैं मम्मी जाओ 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 हाँ जी ये लो ये तो तुमने सेब की तरह तोड़ दिया यार फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़